सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। आशा है सभी लोग कुशल मंगल हैं। देखिए, अब बात आती है कि कल से जो स्कूल खुल रहे हैं, छुट्टियां तो एक्सटेंड हुई नहीं। समर वेकेशंस के एक्सटेंशन के लिए हमने लगातार रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैं अपनी पब्लिक के साथ हमेशा खड़ा हूँ जी, हमेशा खड़ा हूँ। मेरी पब्लिक जब भी रिक्वेस्ट करती है, जेन्युइन डिमांड होती है, हम उनके साथ खड़े होते हैं, और इस बार भी मैं खड़ा हुआ। और खड़ा होने का कारण ये था कि अपनी पब्लिक के साथ हमेशा हमें सपोर्ट करना है, यही हमारा दायित्व रहता है। एक सही मीडिया हाउस का यही काम रहता है। हमारा काम ये नहीं है कि पब्लिक को तंग करना। हैं ऐसे मीडिया हाउस वाले भी जो पब्लिक को तंग करते हैं, हम पब्लिक को तंग नहीं करते, हम जेन्युइन इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। जेन्युइन इशू ये था कि भाई गर्मी इतनी ज्यादा है, अगर सर्दियों में कश्मीर में 3-3 महीने की बच्चों को छुट्टियां पड़ सकती हैं, तो गर्मियों में जम्मू में क्यों नहीं पड़ सकती। हम 3 महीने की छुट्टियों की तो डिमांड नहीं कर रहे थे, खाली यही कह रहे थे यार कि 25 या 31 तारीख तक छुट्टियां कर दो इस महीने की, 30, 31 या 25 को खोल देना स्कूल। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब ने ये बात नहीं मानी, उनको शायद लगा कि ये सही पब्लिक की सही डिमांड नहीं है। तो चलो उनकी मर्जी, लेकिन चलो थोड़ा सा मौसम आज ठीक हो गया, तो अब से कल से जो है स्कूल बच्चों को जाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल बच्चों को कल से स्कूल जाना पड़ेगा, अपने साथ वही टिफ़न और खाना भी स्कूल जाकर खाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कैप्शन भी लिखा है कि स्कूल चले हम, कल सुबह से स्कूल, अपना टिफ़न। और वैसे ना, मैं अपने जितने भी यंगस्टर्स बच्चे हैं ना, उनको बताऊंगा कि यार स्कूल की जो अपनी यादें रहती हैं ना, बड़ी अच्छी रहती हैं। हम लोग आज अपने स्कूल को बड़ा मिस करते हैं। जब मैं भी शिक्षा निकेतन स्कूल में पढ़ता था ना, तो वो दिन बड़े मिस करते हैं हम। टिफ़न घर से लेकर जाना, फिर रिसेस होनी, रिसेस में खाना, कहीं बच्चे रिसेस से पहले ही बीच में अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो आधी एक चपाती बीच में ही खा लेते हैं, हम भी खाते रहें। तो ये वो दिन भी बड़े प्यारे होते हैं। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अब इन्होंने छुट्टियाँ तो बढ़ाई नहीं है, तो अब हमें स्कूल ज़रूर जाना है। तो कल से आप स्कूल जाएँ, अच्छे से पढ़ाई करें, और सिलेबस भी कंप्लीट करना है क्योंकि आगे एग्ज़ाम भी होते हैं। तो ये हमारा और आपका ये रابطہ चलता रहेगा। जब जब आपको मेरी जेके मीडिया की ज़रूरत रहेगी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज मैं सच बात बोलूं, आज किसी भी न्यूज़ का कोई फ़ोन नहीं आया। आज सिर्फ और सिर्फ फ़ोन आया छोटे छोटे बच्चों के कि सर भैया छुट्टियाँ बढ़ा दो, हमने गर्मियों में कैसे जाएंगे। पेरेंट्स फ़ोन नहीं कर रहे थे, बच्चे फ़ोन कर रहे थे। तो मज़ा भी आता है कि बच्चों के फ़ोन सुन के अच्छा लगता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे फ़ोन पे बात करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। मैं उनसे पूछ रहा था कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल क्यों नहीं जाना है, तो गर्मी काफ़ी है। तो बड़ा मज़ा आया बच्चों के साथ बात करने का। मुझे पता है अब स्कूल लग जाएंगे तो अब फ़ोन नहीं करेंगे मुझे, लेकिन अब जब सर्दियों की छुट्टियाँ आएंगी फिर पक्का फ़ोन करेंगे। तो छुट्टियों में तो हम अपने बच्चों के साथ हैं ही, लेकिन मेरी ये एक रिक्वेस्ट अपने गवर्नर साहब से है कि गवर्नर साहब देखिए, हर चीज़ अब 370 ख़त्म होने के बाद ना इक्वली डिवाइड हो रही है। कश्मीर को जितने फंड्स मिलते हैं, जम्मू को उतने फंड्स मिलते हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनती है, जम्मू भी स्मार्ट सिटी बन रही है। तो हर चीज़, यहाँ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, वहाँ भी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हर चीज़ में कश्मीर और जम्मू अब एक साथ चल रहा है, जो पहले नहीं होता था। लेकिन गवर्नर साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सर्दियां कश्मीर में बहुत पड़ती हैं। मैं अपने कश्मीर के लोगों के साथ हूं, उनको छुट्टियां 3 महीने की पड़ती हैं, 3.5 महीने ही कर दो। लेकिन जम्मू में भी बहुत गर्मी पड़ रही है। अब वो समय नहीं रहा कि जब जम्मू में 30 दिन की आप छुट्टी डालते थे तो गर्मी होती नहीं थी। आजकल इतनी गर्मी पड़ती है, सर्दी 2-3 महीनों की भी नहीं रही है, और साल में 8 से 9 महीने गर्मी रहती है। अभी तो ये जुलाई चल रहा है, सितंबर तक गर्मी रहनी है। तो हमारी कोई ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी, एक जेन्युइन सी बात थी कि बच्चों को छुट्टियां मिलनी चाहिए थी। तो हमने वही रिक्वेस्ट अपने लोगों के साथ रखी। हालांकि मैं हार मानने वाला नहीं हूं भाई, और दोपहर से ही मुझे पता था कि भाई नई छुट्टियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने रिक्वेस्ट रखी क्योंकि जेन्युइन रिक्वेस्ट है। कोई जेन्युइन रिक्वेस्ट ना हो तो मैं बोलता ही नहीं, बट जेन्युइन रिक्वेस्ट है, पब्लिक की डिमांड थी, बच्चों की डिमांड थी। और मैं एक सच बात बोलूं, डायरेक्टर साहब भी अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलें कि डायरेक्टर साहब के जो रिलेटिव्स हैं, उनके घर के भी लोग, वो भी बोल रहे होंगे कि भाई छुट्टियां डाल दो। ये एक जेन्युइन सी डिमांड थी,
हमने कोई ऐसी नॉन जेन्युइन डिमांड नहीं रखी। ये डायरेक्टर साहब को भी कई सारे फोन कॉल्स आए होंगे, अपने रिश्तेदारों को आए होंगे कि भाई छुट्टियां डाल दो। तो ये अगर उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली मेंबर्स भी छुट्टियां चाहते हैं, तो कोई ऐसी बात तो है ही नहीं कि हमने गलत डिमांड रखी है। हमने बिल्कुल जायज सी डिमांड रखी बच्चों के लिए, वो हम रखते रहेंगे। मैं जितने भी बच्चों ने मुझे फोन किया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और मैं उनको ये कहूँगा कि आपके जो आशीष भैया हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हमेशा। आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हो, लेकिन मुझे बदले में आप सबसे एक छोटा सा वादा चाहिए। जितने भी बच्चे हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे बड़ा प्यार करते हैं, जहां मिलते हैं मुझे कहते हैं कि भैया हमारी छुट्टियां बढ़ाते हैं, मुझे आप सबसे यही एक वादा चाहिए। छुट्टियों पे मैं हमेशा आप लोगों का साथ देता हूं, लेकिन आपके रिजल्ट मुझे चाहिए अच्छे वाले। सभी बच्चों के अच्छे रिजल्ट आने चाहिए भाई, और मैं तो ये चाहूंगा कि सभी बच्चे डिस्टिंक्शन पोजीशंस ये लें, ताकि मैं आप लोगों के घर आ सकूं आपके इंटरव्यू करने के लिए कि आप बच्चों ने इतना नाम रोशन किया है। छुट्टियों के लिए तो आशीष भैया आपके साथ खड़े हैं, लेकिन मुझे रिजल्ट भी चाहिए भैया, सभी बच्चों से बच्चियों से रिजल्ट भी चाहिए। अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, आशीष भैया को आपके बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर वो आपकी बात सुन के वीडियोज बनाते हैं ना छुट्टियों की, तो आशीष भैया ये भी चाहते हैं कि आप अच्छे अच्छे नंबर भी लो, अपने पापा मम्मी का नाम भी रोशन करो और मेरा भी नाम रोशन करो भाई, कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई मेरे जम्मू के बच्चे इतने इतने अच्छे अच्छे नंबर ले रहे हैं। तो कम नंबर किसी ने नहीं लेने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है भाई। और मैं वादा करता हूँ, एक वादा आपसे मैंने लिया, एक वादा मैं आपसे करता हूँ, आपके अच्छे नंबर आएंगे ना, आपके घर पे आऊंगा और आपका इंटरव्यू जेके मीडिया पे चलाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चों का, ये जितने भी बच्चे हैं जो अलग अलग जगहों से मुझे फ़ोन करते हैं, आज मुझे लम्बेड़ी से भी फ़ोन आया, रजौरी, लम्बेड़ी, लांब, मतलब सुंदरबनी और नौशहरा, इन जगहों से फ़ोन आया, उधमपुर, रामनगर, डुड्डू बसंतगढ़, मतलब ऐसी जगहों से फ़ोन आते हैं, और जिन बच्चों को मैं कभी मिला भी नहीं। चलो लोग तो फ़ोन करते हैं जिनकी कई सारी डिमांड्स होती हैं, लेकिन जब बच्चे फ़ोन करते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि भैया वो जेके मीडिया को देखते हैं। तो मैं बच्चों को कहूँगा जेके मीडिया को ऐसे ही देखते रहें, और हमेशा आपकी बात मैं करता रहूँगा। और देखो कितने सारे लोग हैं जो सब पूछ रहे हैं, नंबर सेंड करूं, मेरा नंबर है 9419391050, मुझे SMS व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बैक कॉल करूंगा। हाँ, अनवांटेड कॉल्स मत कीजिएगा। और जैसे कि सुभाष सागर जी बोल रहे हैं, ठीक है आशीष कोहली आप भी अपने ठीक है सुभाष सागर जी, आपका भी धन्यवाद। और अमित सिंह सूदन कह रहे हैं क्या न्यूज़ है। अमित सिंह सूदन साहब, एक बात बोलूँ मैं आपको, छोड़ो इग्नोर करते हैं आपको, आपको अमित सिंह सूदन साहब आपको मैं गंदा वाला इग्नोर करता हूँ। आप छोड़ो न्यूज़ क्या है क्या नहीं है, आपको चाहिए होती हैं भाई कोई एक्सीडेंट वाली न्यूज़ है, तो वो यहाँ पर कम मिलेंगी यार, एक्सीडेंट टू एक्सीडेंट वाली, या छोड़ो मैं क्या नाम लूँ, वैसी न्यूज़ यहाँ कम मिलेंगी। अमित सिंह सूदन साहब, आपको कोई कभी भी भगवान करे प्रॉब्लम ना पड़े, कभी पड़े तो ज़रूर याद कीजिएगा। तो बाकी मैं आपको गंदा वाला इग्नोर करता हूँ। बाकी जितने भी बच्चे हैं सभी अच्छे से पढ़ाई करें, कल सुबह स्कूल जाएं, अच्छे से अपना यूनिफॉर्म रेडी करके, सुबह सुबह आपके मम्मी पापा आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देंगे। ब्रेकफास्ट टिफ़न लीजिए, बाहर का खाना नहीं खाना है, घर से खाना लेकर जाना है, रिसेस में वो खाना है। और साथ ही में, और कोई ऐसा बच्चा जो खाना नहीं भी लेके आता है उसके साथ भी खाना शेयर करना है, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। अपने जो भी आपको होमवर्क मिलता है, जो भी असाइनमेंट्स मिलती हैं, जो भी लर्न करने के लिए कहा जाता है, वो आपने ज़रूर करना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार, जेके मीडिया आपके साथ हमेशा खड़ा है, और आशीष कोहली तो हमेशा ही पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ हमेशा खड़ा है। धन्यवाद, सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक वीडियो मेरे पास आया छोटी सी बच्ची का, उसने राम राम से शुरू किया। अपने बच्चों को हिंदू धर्म, सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें, राम राम बोलना सिखाएं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, इनसे बच्चों को दूर करें, राम राम बोलना सिखाएं। और स्कूलों को भी मैं कहूंगा सुबह की असेंबली प्रेयर में जो होता है गायत्री मंत्र का जाप करवाएं, बच्चों को सिखाएं हिंदू धर्म क्या होता है, सनातन धर्म क्या होता है। देखते रहें जेके मीडिया, सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय, और सभी को मेरी तरफ से साधुवाद, बच्चों को ढेर सारा प्यार।